Audio Jungle. रविवार को स्पोर्ट विंग के प्रभारी बनाए जाने के बाद प्रथम जनपद आगमन पर हसन सिद्दीकी का बांदा नगर सीमा प्रारंभ करते हुआ जगह जगह स्वागत। इसके पश्चात समाजवादी पार्टी कार्यालय बांदा में आयोजित कार्यक्रम के तहत जिलाध्यक्ष विजय करण यादव सहित बांदा सपा के समस्त पदाधिकारियों ने फूलमाला व लड्डू खिलाकर हसन सिद्दीकी का किया स्वागत। इस दौरान कार्यकर्ता में खुशी की लहर देखने को मिली। इस अवसर पर प्रमुख तौर पर पूर्व विधायक विशंबर सिंह यादव, चेयरमैन मैन मोहन साहू, अशोक सिंह गौर, जिला महासचिव हनीफ अहमद, जिला उपाध्यक्ष अशोक श्रीवास, चंद्रकेश सोनेलाल पटेल सहित सैकड़ा समाजवादी कार्यकर्ता व नेता मौजूद रहे। आप लोग संदेश देना चाहेंगे? मैं समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मुख्यमंत्री माननीय अखिलेश यादव जी ने एक स्पोर्ट्स मीट का आयोजन किया है, एक स्पोर्ट्स मीट बनाई है प्रदेश में समाजवादी पार्टी ने। इसका मुझे उन्होंने भारी बनाया है कि हम सभी समाजवादी पार्टी के साथी खुशी में यहाँ। ये जो स्पोर्ट्स विंग बनाई है वो इसलिए बनाई है कि खिलाड़ियों के साथ जो जितना हो उनका भविष्य कैसे बन रहे और जो अनीतियाँ हो रही हैं प्रदेश वर्तमान प्रदेश सरकार के द्वारा खेल उनका नियम का विरोध करेंगे। अनीतियाँ ये हो रही हैं कि जो डिप्लोमा भारत खेल प्रशिक्षक है उनका वेतन 19 महीने से नहीं दिया जा रहा है। संविदा में ये कार्यरत है जो कि कोई नेशनल प्लेयर है तो कोई इंटरनेशनल प्लेयर है। इन खेल प्रशिक्षकों को जब माननीय मुलायम सिंह यादव जी मुख्यमंत्री थे तब 7,000 वेतन मिलता था तो उन्होंने बढ़ा करके 12,000 किया था और उसके पश्चात जब माननीय अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री थे तो उन्होंने 12,000 से बढ़ा करके 25,000 वेतन कर दिया। लेकिन आज की इस वर्तमान सरकार ने उनके साथ दया नहीं की और सभी को निकाल दिया। 19 महीने हो गए हैं अब तक वेतन नहीं मिला है, ये बड़ी शर्म की बात है। आज कोई खेल प्रशिक्षक पकौड़े बना रहा है, पकौड़े तल रहा है तो कोई चाय बेच रहा है, कोई समोसा बेच रहा है तो कहीं मजदूरी कर रहा है और कोई मनरेगा में काम कर रहा है। ये रिकॉर्डेड बात बोल रहा हूँ मैं, इसमें उन लोगों के खिलाफ उन्होंने हमें ये लिख करके दिया है कि हमारे साथ ऐसा बर्ताव और ऐसा व्यवहार हो रहा है। पूरे प्रदेश में ये लगभग 450 हैं डिप्लोमा होल्डर्स खेल प्रशिक्षक, लेकिन उनमें से जो कार्यरत हैं वो 377। अब दूसरी बात मैं कहना चाहूँगा कि ये जो बांदा में स्टेडियम है यहाँ वॉलीबॉल का इंटरनेशनल मानक के अनुसार बनाया गया हाल है। मैं खिलाड़ी हूँ, मैं सीनियर इंडिया में मेडलिस्ट भारत स्वर्ण पदक विजेता हूँ। ये हमने अपने प्रयासों से प्रयास करके पिछली सरकार में बनाया था और उसके बाद वर्तमान सरकार के कार्यकाल में ऊपर से जानवरों की भीड़ गिर रही है, सफाई बिल्कुल नहीं हो रही है और पूरा खुला हुआ है। आप पत्रकार साथी हैं वहाँ जा करके देख सकते हैं। हमारी एक और अपील है इस विषयी सरकार से कि उनको खिलाड़ियों का ये खिलाड़ियों के साथ अनर्थ हो रहा है, उनकी सुविधाओं से उन्हें वंचित कर दिया जाएगा तो ये कैसे बढ़े। और ऐसा कौन सा समाज या वर्ण या क्षेत्र है जो खेल जगत से जुड़ा हुआ नहीं है? हर जगह से हर समाज खेल से जुड़ा हुआ है और समाजवादी पार्टी इसी प्रकार से हर एक क्षेत्र में भरपूर मेहनत कर रही है और लोगों के सुख दुख बांटने का काम कर रही है। पहले भी पिछली सरकार में जो उपलब्धियाँ थी समाजवादी पार्टी की यदि मैं गिनाने लगूंगा तो ये पूरा दिन और रात का पड़ जाएगी। मैं उस पर नहीं जाना चाहता लेकिन ये जरूर कहना चाहता हूँ कि जिनके साथ अनर्थ और गलत हो रहा है समाजवादी पार्टी कंधे से कंधा मिला करके उनके साथ खड़ी है और खड़ी है।